हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमी और आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। चाय हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से हम चाय बनाते हैं उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे गैस बनना, पेट में इन्फेक्शन हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन हो जाना। पर अगर उसी चाय के बनाने के तरीके में हम एक छोटा सा बदलाव करते हैं तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह चाय किस तरह से बनाई जाती है। एक पैन लेंगे, एक कप पानी डालेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक ग्रेट करेंगे, यहाँ आप कूट के भी डाल सकते हैं, थोड़ी सौंफ ऐड करेंगे, दो छोटे टुकड़े दालचीनी, एक इलायची, पानी गर्म होने देंगे, एक छोटी चम्मच चाय पत्ती डालेंगे, यहाँ मैं दो कप चाय बना रही हूँ, पानी को उबाल देंगे, साथ ही एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें एक कप दूध डालेंगे, दूध में दो चम्मच चीनी डालेंगे, यहाँ मैंने देसी खांड ली है, आप देसी खांड या मिश्री पाउडर और सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का प्रयोग ना करें, पानी को उबलने दें और दूध गर्म होने दें। अब जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम दूध को चाय में डालकर उबालते हैं और यहीं हम बीमारियों को न्योता देते हैं। हमें गर्म दूध को अलग से ऐड करना है ताकि दूध के डालने से जो एसिडिक इफ़ेक्ट हैं हम उनको कम कर सकें और दूसरे जो नुकसान हैं उनसे बच सकें। दूध गर्म हो चुका है, पानी उबल गया है, अब दोनों गैस को बंद कर देंगे। यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है, दूध को ऊपर से डालेंगे, चाय को छान लेंगे और आपकी सेहतमंद चाय तैयार है। तो चाय में बदलाव लाएं, खुद पिएं, दूसरों को भी पिलाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।